नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह और आ गई है पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए अच्छी खबर। जैसे ही भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया, 140 करोड़ भारतीयों का दिल टूट गया। विनेश फोगाट की सिल्वर या गोल्ड ना जीतने की टीस हर एक भारतीय दिल में थी। इसी बीच पेरिस ओलंपिक से आ गई भारत के लिए खुशखबरी। भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। ये भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में छठा मेडल रहा। अमन ने प्यूर्टो रिको के डेरियन टोई क्रूज को 13-5 के फासले से हराकर ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमा लिया। 21 साल के अमन ने ओलंपिक में चली आ रही 16 साल पुरानी भारतीय कुश्ती की परंपरा को बरकरार रखा। भारत ने साल 2008 ओलंपिक से हर बार कुश्ती में मेडल जीता है। अमन ने अपने पहले ही ओलंपिक में पदक जीतने का कारनामा कर दिखाया है। पेरिस खेलों के जरिए अमन ने ओलंपिक में डेब्यू किया। अमन भारत के लिए सबसे कम उम्र में ओलंपिक मेडल जीतने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान की शुरुआत काफी शानदार रही थी। अमन ने पहले राउंड में नॉर्थ मैकडोनिया के इगोरवो को 10-0 से हराकर आगे कदम बढ़ाया। फिर अमन ने दूसरे राउंड में अल्बेनिया के पहलवान अबाकरोव को 12-0 से हराया था। अबाकरोव को हराने के बाद में अमन ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। हालांकि सेमीफाइनल में अमन को हार का सामना करना पड़ा। सेमीफाइनल मुकाबले में अमन ने जापान की हिगुची के खिलाफ 10-0 से हार झेली। गौरतलब है कि पेरिस ओलंपिक में अब तक भारत के खाते में कुल 6 मेडल आ चुके हैं। भारत को 3 मेडल शूटिंग में मिले हैं, एक हॉकी, एक जैवलिन में और एक कुश्ती में मिला है। भारत की मेडल टैली का खाता शूटिंग के जरिए खुला था। 6 मेडल में से 5 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर शामिल है।